नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। इसकी खुशी में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में जमकर जश्न मनाया गया। इसकी वजह भी बहुत खास है, आइए बताते हैं संत कबीर नगर में क्यों मनाई जा रही है इतनी खुशी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर के महदावल निवासी अखिलेश पति त्रिपाठी ने लगातार तीसरी बार जीत कर हैट्रिक की है। वे मॉडल टाउन सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। अखिलेश ने आप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक कर भाजपा में शामिल किए गए कपिल शर्मा को 12,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। बता दें, अखिलेश दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने गए थे। बेटे के विधायक बन जाने की खबर मिलते ही पूरा परिवार और जिले के लोग खुशी से झूम उठे। सेवानिवृत्त शिक्षक पिता अभय नंदन तिवारी त्रिपाठी ने कहा, मैं खुश हूं कि मेरा बेटा उस पार्टी से जुड़ा है जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने वाली है। गौरतलब है कि दिल्ली के मॉडर्न टाउन विधानसभा क्षेत्र में युवा मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल हैं। वह पहली बार 2013 में व दोबारा 2015 और अब 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन सीट से चुनावी मैदान में उतरे। हर बार अखिलेश पति त्रिपाठी बम्पर वोट से विजयी हुए। संत कबीर नगर जनपद के नगर पंचायत महदावल के ठाकुर द्वारा मोहल्ले निवासी अखिलेश पति ने 1998 में हाई स्कूल, 2000 में इंटरमीडिएट की परीक्षा डीएवी इंटर कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ईसीसी कॉलेज इलाहाबाद से वर्ष 2013 में बीए और वर्ष 2005 में प्राचीन इतिहास विषय में परास्नातक किया और वर्ष 2006 तक इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। वर्ष 2007 में दिल्ली में आईएएस की तैयारी के लिए सपना लिए वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाने के बाद अखिलेश अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित हो गए, उनके आंदोलन से जुड़ गए। उस समय वह सामाजिक कार्य करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से जुड़ गए। आम आदमी पार्टी से उन्होंने पहली बार दिल्ली के मॉडर्न टाउन विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। जनता में उन्हें खूब पसंद किया गया। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।